अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ सबसे पहले हम बोल में लेंगे, मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप गुलाब जामुन मिक्स, ये MTR का है, 175 ग्राम का पैकेट है, इसमें तकरीबन 35 बनेंगे। सारे पैकेट को हम एक बोल में डाल देंगे और यहाँ मैंने पहले से ही नाप के लिया है, वो भी हम गुलाब जामुन में इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ MTR का यूज़ किया है, आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पानी का यूज़ किया, आप चाहो तो दूध से भी इसे मिक्स कर सकते हो। यहाँ मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ रेस्ट होते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसे गून लेंगे 1 से 2 बार। अब इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे, आप चाहो तो मीडियम शेप में भी इसकी बॉल बना सकते हो। सारी बॉल को हम तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 20 मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाए थे, आप चाहो तो इसे छोटा भी बना सकते हो। यहाँ मैंने सारे गुलाब जामुन की बॉल को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में लेंगे मीडियम हॉट ऑयल, तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। अब सारे गुलाब जामुनों को हम तेल में डाल देंगे। यहाँ मैंने सारे गुलाब जामुनों को डाल दिया है, इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इस तरीके से कढ़ाई उठाकर चलाएं और बीच में से करछी घुमाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ आपको गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन मैंने फ्राई कर लिए। सारे गुलाब जामुनों को चाशनी में डाल देंगे, मैंने पहले से ही चाशनी तैयार कर कर रखी है। चाशनी हल्की सी गुनगुनी है, अब हम सारे गुलाब जामुनों को डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ गुलाब जामुनों को रखते हुए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, गुलाब जामुन अच्छी तरीके से अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं। आप भी इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर कर मुझे कमेंट करें आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।